नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की चार बड़ी खबरों की। पहली खबर कुरुक्षेत्र से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने नामांकन दाखिल किया है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी देवांशु बुद्धिराजा के भगोड़ा होने का मामला सामने आया है। तीसरी खबर पृथला से है, जहां आपसी विवाद के चलते जीजा ने अपने साले को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही चौथी खबर आपको बता दें, अंबाला से है, जहां ओसीज ग्रुप की शराब फैक्ट्री के दो इथेनॉल टैंकों में भीषण आग लग गई। तो चारों बड़ी खबरें यहां पर आपको बता रहे हैं। पहली खबर नवीन जिंदल यानी बीजेपी प्रत्याशी से जुड़ी हुई है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। दूसरी खबर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर के है, बुद्धिराजा को भगोड़ा घोषित करने के मामले में ये बड़ी सुनवाई हुई है और बड़ा अपडेट सामने आया है कि उन्हें 7 मई से पहले कोर्ट में सरेंडर करना होगा। चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस बीच कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि छठे चरण के लिए नामांकन 29 अप्रैल से शुरू हुए थे, जो 6 मई तक जारी रहेंगे। तो कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने नामांकन दाखिल किया है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार है नवीन जिंदल, और जब वो नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके साथ कई बीजेपी नेता भी पहुंचे, साथ में सीएम नायब सिंह सैनी खुद उनके साथ पहुंचे। दरअसल नवीन जिंदल को लेकर के कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी विपक्ष लगाते रही है, कई सारे सवाल उठाते रही है, लेकिन अब जो है कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने उन्हें जब टिकट दिया तो वो कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों लेने का काम जरूर किया, लेकिन अब जो है नवीन जिंदल ने नामांकन दाखिल कर दिया है कुरुक्षेत्र से। और जिस दौरान वो यहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल छठे फेज के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 29 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक इन दिनों में ही, इस बीच में ही नामांकन करवाना होगा। जो भी प्रत्याशी है उन सभी को अपना नामांकन इस बीच कराना होगा, और इसी कड़ी में आज जो है कुरुक्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने अपना नामांकन दाखिल करवाया है। और इसी के लिए कुरुक्षेत्र से जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे दफ्तर पर, तो सीएम नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। और करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी देवांशु बुद्धिराजा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बुद्धिराजा के भगोड़े मामले में सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बुद्धिराजा को 7 मई से पहले पंचकुला कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा। लंच से पहले तो बहस सुन के साहब ने, जस्टिस साहब ने डिसमिस कर दी थी उसकी पिटीशन, लेकिन लंच के बाद उनके वकील साहब ने रिक्वेस्ट की थी मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, तो मेरी पिटीशन मेरिट पे सुनी है सात, तो इसलिए जज साहब ने 7 तारीख लगा दी उसकी पिटीशन में। क्या मामला था ये पूरा, किस चीज को लेकर? असल में उसमें क्या था, वो 30/7/2022 को उनके नॉन बेलर वारंट हो गए थे, क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, तो वो 30/7/2022 वाला ऑर्डर उन्होंने 22/11/2023 को माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी उसके खिलाफ पिटीशन, जो डिसमिस हो गई थी उसी दिन। कोर्ट ने उनको कहा कि आप सरेंडर कीजिए, वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा उम्मीदवार को लेकर के ये बड़ी खबर है, जहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उनको लेकर के बड़ा फैसला सुनाया है। भगोड़ा घोषित करने के मामले में ये सुनवाई हुई थी, जहां पर अब मुश्किलें बढ़ती हुई कांग्रेस की नजर आ रही है, क्योंकि करनाल से ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे और कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, बीजेपी के उम्मीदवार जो है पूर्व मुख्यमंत्री उनके सामने, लेकिन अब कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे ओपी शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। ओपी, ये पूरा मामला क्या है? क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? जहां एक तरफ बड़ी बात हो रही थी कि युवा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने उतार गया है, तो ये सारी घटना क्या कुछ कहती है, अपडेट क्या है और ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझाइए। देखिए सोनिया, अगर हम पूरे मामले की बात करें तो साल 2018 के आसपास दीपांशु बुद्धिलाला पर नौकरियों को लेकर एक पोस्टर लगाने का जो है कहीं ना कहीं जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और क्रॉस सिलेक्शन कमीशन के बाहर पोस्टर लगाने का एक मामला जो दर्ज हुआ था, जिसके बाद उनको कोर्ट में जो मामला आया उनको कई बार नोटिस दिए गए और उस नोटिस के खिलाफ वो जो है वो कोर्ट में पेश नहीं, उनके वकील हर बार जो है पेश होते थे, ऐसे में कोर्ट ने उनको बार बार मौका देते हुए जब वो पेश नहीं हुए तो उनको जो है प्रो क्लेम ऑफेंडर यानी उद्घोषित भगोड़ा जो वो घोषित जो कर लिया था। और जैसे ही करनाल लोकसभा के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी बनाया उससे एक दिन पहले ही उनके उसी दिन या उससे एक दिन पहले उनके जो है वो गिरफ्तारी का जो है नोटिस कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो है निकाल दिया था। तो कहीं ना कहीं दीपांशु बुद्धिलाला अब अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने अपनी जो याचिका में उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया था कि उनके जो गिरफ्तारी के जो लोअर कोर्ट ने जो प्रोक्लेम ऑफेंडर बनाकर गिरफ्तारी का जो उनका वारंट निकाला है उसको जो है वो खारिज किया जाए और कोर्ट के आदेशों में कुछ कमियां हैं, कोर्ट ने जो है प्रोक्लेम ऑफेंडर का जो प्रोसीजर है उसकी अवहेलना की है और साथ ही जो नोटिस उनके नाम पर शामिल हुआ था वो दूसरी जगह पे शामिल हुआ था, उसका जो एड्रेस था वो कहीं और था, ऑर्डर जो कहीं और गए, तो कोई किस तरह की उनकी बातें जो है वो उठाई गई थी। तो लेकिन सुबह जो है कोर्ट ने एक बार तो उनकी याचिका जो है खारिज कर दी थी और उसके बाद उनकी जो गिरफ्तारी की कहीं ना कहीं एक आशंका बढ़ गई थी, तो पुलिस कहीं से भी जो प्रचार के दौरान जो उनको उठा सकती, लेकिन लंच के बाद उनके वकील दोबारा जो है वो जज्बात के बाद फिर उनको मौखिक तौर पर यह कह सकते कि उन्होंने अपील की कि उनके मौके की क्लाइंट की जो याचिका खारिज ना की जाए और उसके ऊपर सुनवाई की जाए। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि जब वो निचली अदालत से भगोड़ा घोषित हो सके उद्घोषित प्रोक्लेम ऑफेंडर वो घोषित हो सके तो उनको सबसे पहले कोर्ट के सामने जो है वो सरेंडर करना होगा और उसके बाद अगली सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो सकता है। तो इसके बाद जो दीवांशु बुद्धिराजा के वकील थे उन्होंने अंडरटेकिंग दी के साथ मई से पहले जो दीवांशु बुद्धिराजा जो है वो कोर्ट में जो है वो लोअर कोर्ट पंचकुला जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो वहां पर वो अपनी गिरफ्तारी जो है वो सरेंडर करेंगे। इसके बाद जो अपनी याचिका जो है वहां पर लगाएंगे और अगर ऐसा वो करते हैं 6 तारीख तक तो 7 तारीख को जो कोर्ट की सुनवाई होनी है उसके अंदर जो लोअर कोर्ट ने प्रो क्लेम ऑफेंडर जिन मामले को लेकर घोषित किया है उसकी मेरिट और डिमेरिट पर फैसला होगा और क्या प्रो क्लेम ऑफेंडर पर दीपांशु बुद्धिलाला की बात सही है, अगर ऐसा होता है और उनकी याचिका सस्टेन कर ली जाती है तो उनके ऊपर से मामला भी जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि सरेंडर होने के बाद दीपांशु बुद्धिलाला का जेल जाना लगभग एक थोड़ा तय दिख रहा है, हालांकि हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद जो है वही कोर्ट उनको पंचकुला की जो ट्रायल कोर्ट है वो उनको जमानत दे दे तो इन सभी का फैसला अब 7-6 तारीख पर गिरफ्तारी उसके बाद लोकल कोर्ट ट्रायल कोर्ट में किस तरीके से याचिका लगाते हैं इन सभी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं निर्भर करता है। देखने वाली बात होगी कि जब 7 मई को हाईकोर्ट की सुनवाई होगी तो क्या होता है। जी ये देखने वाली बात जरूर होगी ओपी, लेकिन इन सब चीजों से एक चीज तो साफ समझ आती है कि कांग्रेस की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, छठे फेज में नामांकन प्रक्रिया चल रही है और इस बीच इतनी बड़ी खबर आना और वो भी करनाल सीट से जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। देखिए ज्योति, प्राइम मिनिस्टर हमें जरूर लग रहा है कि दीपांशु बुद्धिलाला की जो आज की जो एक कार्रवाई हुई है वो उसको लेकर शायद उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ती दिखाई देती है, लेकिन ये सियासत है, यहाँ कई बार सियासत में इस तरह के कदम जो है वो बहुत ज्यादा जो है काम कर जाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो जेल के अंदर से ही जी जाते हैं हमारे, जिसमें ऐसे सैकड़ों नेताओं का इतिहास भरा पड़ा है जब उन्होंने जेल से नामांकन किया और या जेल में रहकर बिना प्रकार के चुनाव किया, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। लेकिन इस मामले में ज्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा, जो कुछ करेगी अब कोर्ट करेगी और अगर मान लीजिए उनको अगर लोकल कोर्ट में उसी वक्त जमानत दे दी, वो 1-2 घंटे के बाद लोकल कोर्ट के सामने अपनी जमानत याचिका लगाकर कोर्ट उनको सुनवाई के लिए मान जाती है, तो देखिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और अदालत
जो एक ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं आदमी की कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी करने के लिए होती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम ऑफेंडर है, लेकिन कोई इतना बड़ा सेक्टर नहीं, शायद हम 78 आईपीसी का एक छोटा सा सेक्टर है जिसमें कहीं ना कहीं सार्वजनिक संपत्ति को लेकर एक छोटा सा मामला, इतना बड़ा मामला कहीं ना कहीं नहीं बनता। लेकिन हाँ, उनको 3-4 बार जब कोर्ट ने संबंध किया उसके बाद वो नहीं पहुंचे, ये एक छोटी सी अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा भी क्राइम नहीं है। लेकिन यही कहना पड़ेगा कि अभी थोड़ा इंतजार करते हैं। और दूसरा कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, वक्त बताएगा। क्या पता कई बार ऐसा भी होता है कि संपत्ति जो है वो दूसरी तरफ भी चली जाती है, और हो सकता है कि देवांशी बुद्धि आ जाए तो उसको इसका नुकसान हो जाए। ये सब एक समय जो वो कहीं ना कहीं और कोर्ट में जो कुछ घटनाक्रम होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। जी जो बिल्कुल, अभी भले ही ये बड़ा मामला ना हो, इतनी बड़ी धारा ना हो जो उन पर लगी है, लेकिन क्या लगता है, क्या ये उस कैंडिडेट यानी बुद्धि राजा की छवि को धूमिल करने का काम करेगा, या किसी तरीके का कोई इस तरीके का इफेक्ट उनकी छवि पे पड़ेगा? क्योंकि एक बड़े छात्र नेता के तौर पर वो कांग्रेस के देखे जाते हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के क्या लगता है, अगर ये चीजें बढ़ती हैं, जेल जाना होता है, हालांकि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता जैसा कि आपने कहा है, ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या ये उनकी छवि को धूमिल करेगा? देखिए जबकि अगर मैं सीधे तौर पर बिल्कुल सपष्ट कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे मसले में देवांशी बुद्धि राजा की छवि के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन कर रहे थे या जो पोस्टर लगा रहे थे या जो भी वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी और जो पेपर लीक और जो सेलर एग्जाम नहीं हो रहे उनको लेकर कर रहे थे, उनका एक जनहित का मुद्दा है। अगर आप, मैं फिर एक बार कहूंगा कि अगर हमारे देश के ऐसे बहुत सारे मामले जब देखेंगे जब मर्डर के चार्ज वाले भी चुनाव लड़ते हैं, वो जीत भी जाते हैं, तब वो पता कि लालू यादव चारा घोटाले में आरोपी थे, लेकिन वो बार बार चुनाव लड़े यूपी से, बिहार से, उसी है, ऐसे तो बहुत सारे जो मामले हैं वो हैं। ये तो अगर हम 2013 या 2014 का जो एक सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिया था कि 2 साल से ज्यादा किसी को भी सजा होती है और उससे ज्यादा के आरोप करके जो मामला है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो शायद 2013 से पहले तो ऐसे बहुत मामलों की भरमार चली है। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं कि जहां देवांशी बुद्धि राजा की छवि पर कोई फर्क पड़े, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि अगर वो लंबे टाइम तक इस वक्त में जेल में रहते हैं, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 दिन जेल में रहते हैं, तो वो 4 दिन जो अपनी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं से अपनी पार्टी और अपने पक्ष में प्रचार कर सकते, उसका शायद उनको थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन आप एक दूसरी बात ये भी रखेंगे, देवांशी बुद्धि राजा जेल में जाते तो कहीं ना कहीं मीडिया उनको कवर करेगा और वो उनको कहीं ना कहीं पब्लिसिटी भी मिलेगी। वो कहेंगे, वो एक कहावत है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, तो कम से कम एक ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं। लेकिन सब बड़ा जो है मामला दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट क्या फैसला करती है वो उनका विवेकाधिकार है, इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन ओपी, एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि ये वो दौर है जहाँ पर नामांकन प्रक्रिया चल रही है छठे चरण के लिए, सभी लोग नामांकन करवा रहे हैं, तो इसी बीच में ये सुनवाई होना, इसी बीच में इस तरीके की बातें होना, क्या किसी और चीज की ओर भी इशारा करता है? देखिए अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए और कोर्ट के फैसले को किसी भी तरह की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जहां तक बात नामांकन की है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, नामांकन कहा जाता है, नामांकन देवांशी बुद्धि राजा खुद थोड़ी तैयार करेंगे, उनकी एक लीगल टीम है, कांग्रेस की पूरी एक लीगल टीम है जो नॉमिनेशन के पेपर्स वगैरह तैयार करेगी। और जहां तक उनके ऊपर एक ऑफेंडर होने की बात है और उनके साथ नई की सुनवाई की बात है और उसमें क्या क्या कहा है, ये सभी जानकारी अगर देवांशी बुद्धि राजा अपने एफिडेविट में देखते हैं तो उनके नामांकन को भी कोई टकरा नहीं है। हाँ, अगर वो बातें छुपाते हैं, ये कहते हैं कि वो प्रॉब्लम ऑफेंडर नहीं है, गैर जमानती वारंट के खिलाफ जारी नहीं, हाईकोर्ट में मामला नहीं है, इसका वो कोई जिक्र अपने अगर एफिडेविट में नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये एक नॉमिनेशन खारिज का आधार जरूर होता है। लेकिन शायद देवांशी बुद्धि राजा इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि वो अपने किसी भी मामले को सुधारेंगे, और अगर आप किसी का भी मामला उठाकर देख लें, बहुत सारे प्रत्याशी अगर उठाकर देखें, सभी खिलाफ कहीं ना कहीं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में मामले करते हैं, सब की जानकारी देते हैं, कोर्ट को चुनाव आयोग किसी को जो है वो चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता, लेकिन अगर कोई जानकारी छिपाता है, छिपाने की कोशिश करता है, तो उसको चुनाव आयोग जरूर रोक सकता है। लेकिन चुनाव आयोग के पास भी अपनी संवैधानिक दायरा है, अपनी
कोड ऑफ कंडक्ट और उसका एक वैल्यूशन है, वो उसके एम्बिट में रहकर कहीं ना कहीं काम करें। अगर दीवारसिंह को भी राजा के ऊपर जो मामला है उसमें उनको एक साल डेढ़ साल से ज्यादा की सजा होनी ही नहीं है, कोई आपराधिक मामला है नहीं। एक राजनीतिक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक राजनीतिक विरोध के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना कोई गुना वगैरह माना जाता है कि बहुत सारे लोग करते हैं। अगर किसी भी भर्ती कार्यालय के बाहर अगर विरोध होता है तो क्या मतलब उनसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कुछ डिमांड्स भी तो देखी जाती है, उनका भी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो जो किसी भी शोषण के खिलाफ किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का आर्टिकल 16 में अधिकार देता है। तो लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों की सुनवाई मिनिमम जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में या लोकल कोर्ट या लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट में जो है फंडामेंटल राइट्स की सुनवाई नहीं हो सकती है। लेकिन ठीक है, अब जो होगा वो कोर्ट करेगी। और ठीक है, बड़ी खबर है, इस पर नजर भी आप बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो आप खबर पृथला के गांव सहराला से है, जहां दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जीजा ने अपने ही साले को चाकू से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक पत्नी अपने पति से परेशान होकर मायके आई हुई थी, जिसके बाद से पति अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था और घर वालों ने पत्नी को भेजने से मना कर दिया, जिसके बाद से पति ने ये कदम उठा लिया। तो पृथला की ये तस्वीरें जहां पर एक जीजा ने अपने ही साले को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल उसकी बहन नाराज होकर अपने ससुराल से मायके आई थी और जीजा फिर अपनी पत्नी को लेने आया, लेकिन ससुराल वालों ने मना कर दिया कि वो अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, जिससे गुस्साए व्यक्ति ने अपने ही साले की हत्या कर दी। हालांकि इस पूरे मामले पर अब पुलिस छानबीन कर रही है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर रीजन क्या है। तो क्या लगता है भाई, क्या हुआ उनके साथ, कैसे हत्या हुई? मेरे पति ने चाकू मारा था। क्यों मार दिया, क्या बात थी? वो मेरे झड़ा पहले चला गया था रात भाई को देखने के लिए, ना पानी से आया धो गया, उसके भाई पर छोड़ के गए थे पुल पे, मैं टॉयलेट करने के लिए चले गई, मेरे भाई अंदर चले गया, फिर उसने पीछे से आकर चाकू गला काट दिया मेरे भाई का। आपके हस्बैंड ने? हाँ। बस इतनी सी बात, चाकू मार दिया? इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में? नहीं नहीं। अच्छा, तो फिलहाल क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ, इंसाफ चाहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मोहम्मद से क्या हुआ, आपके बेटे का नाम क्या था, कितनी उम्र थी और कैसे सकते हैं? मेरे बेटा की 27 साल उम्र। नाम क्या था? गुलमपाल। कैसे हत्या हुई थी? मेरे जब भाई मेरे बेटा थे पहले कदे चला के, बेटी थे बहुत ज्यादा कदे चला के, तलाक खूब कहते हो। मेरे बेटा ने कह की तुम पे नाराजगी जा तो मैं राग लगा मैं खबा दूंगा, वो बहन मेरी है, तो फिर ये फैमिली समझे हो सब सबको, जिससे बोलती मेरी लड़की, इसने उसका बलदा लेके मेरे बेटा का गर्दन काट दिया। ये जी दोनों जीजा साले हैं, जो कुशल पाल है जो मरने वाला है, इसका जीजा जगदीश जो कोसी के पास गांव है वहां का रहने वाला है, इसके 4 बच्चे हैं। जो ये एक शराबी किस्म का आदमी था, अपनी पत्नी को पीटता था, सराले में एक पाइप फैक्ट्री है उसमें नौकरी करते थे, तो ये ले जाड़े की जिद कर रहा था, ये भेज नहीं रहे थे लड़की को। इसी बात को लेकर इनमें तकरार होगी और इसने अपने साला था जो उसको चक्कू गर्दन में चक्कू मार दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोरू पांचाल संवाददाता हमारे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोरू, ये मामला क्या है, क्यों अब जीजा ने अपने साले की हत्या कर दी? बताया जा रहा है कि मामले से हुआ था, उसकी बहन मायके आई थी। देखिए, फरीदाबाद के सहराला गांव का ये मामला है। मैं आपको बता दूं कि सहराला गांव की लड़की जो है मथुरा जिले के पास की जो है वो शादी हुई थी, और शादी के दौरान जिस तरीके से देखा जाए तो शादी को काफी टाइम हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से जो जिस महिला की जिस युवक से शादी हुई है जो मथुरा के रहने वाला है, वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं आए दिन जो है वो अपनी पत्नी को जो है परेशान कर रहा था, दारू का आदि था, और कहीं ना कहीं वो मार पिटाई उसके साथ लगातार जबरन किया, यानी कि बात की जाए तो कहीं ना कहीं मार पिटाई दहेज का इस तरीके की जो मांग है वो लगातार जो है वो अपनी आपत्ति की जो करने लगा, और जो है वो कहीं ना कहीं महिला जो है
वो काफी जो है उस टाइम तक सुनी रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अभी कुछ टाइम पहले ही जो उन्होंने जो है उसका पति था उसके महिला के साथ जो काफी अपनी पति के साथ मार पिटाई करी और मार पिटाई के दौरान जो है वो जो है जो महिला है वो अपने गांव सहराला आ गई और कहीं ना कहीं अपने मायके में जो है वो रहने लगी। काफी समय से जो है वो रह रही थी जिसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वो सहराला गांव के ही जो निजी और कंपनियां थी उसमें जो है वो काम करती थी। लेकिन जो उसका पति था वो जो है वो कहीं ना कहीं कल वो जो है अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा करा है गांव में और कहीं जो महिला है उस वो महिला जो है उसके भाई से बात करी और भाई से बात करने के दौरान मोहापुर से अपने सास ससुर से वो बात करी और कहीं ना कहीं साले जो है उस अपनी बहन को भेजने से बिल्कुल सख्त मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जो है आप मेरी बहन का पालन पोषण नहीं कर सकते तो मैं अपनी बहन का पालन पोषण करूंगा या अपने बच्चों को इस तरीके से पालूंगा, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं सख्त मना कर दिया जिससे जो है वो युवक जो है वो पूरी तरीके से हराश हो गया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो उसको जो है वो जो है उसको भेजने के लिए वो जो है कुशल पाल जो है वो अपनी जीजा को छोड़ने के लिए भाई बाहर रोड तक भी आया और कहीं ना कहीं वो जो है वापस चला गया। तो जिस तरीके से देखा जाए तो वो महिला का पति जो है वो नशे का आदि था, उसने जो है शराब की और शराब पीने के बाद जो है वो फिर जो है उस सहराला गाँव में घुस गया और घुसने के बाद यानी की बात की जाए तो अपने ही सारे पद जो है वो चाकू से हमला कर दिया जिसकी पत्नी मौत हो गई। अभी जो है फिलहाल की बात की जाए तो रोकी अभी आरोपी जो है वो फरार है। कहीं ना कहीं पुलिस जनता से जांच करती है कार्रवाई करने की बात करी है। लेकिन बात की जाए तो कुशल पाल की जो बहन है उसने जो है पुलिस से बाहर लगाई है कि वो सबसे सख्त कार्रवाई करवाना चाहती है, वो अपने पति को सजा दिलवाना चाहती है क्योंकि उसके पति ने जो है उसके भाई को जो है वो चाकू से गोद करके मौत के घाट उतार दिया है। तो न्याय की गुहार जो है लगातार पीड़ित पक्ष जो है जरूर कर रहा होगा, लेकिन ससुराल वालों का क्या कुछ कहना है जब से उनका बेटा फरार हुआ है अपने सारे की हत्या करके, क्या उनके तरफ से कोई बयान सामने आया है? मुरु देखिए अगर ससुराल की बात की जाए तो जिस तरीके से जो महिला जो लड़की है उसके ससुराल के पक्षों की बात की जाए तो वो जो काफी परेशान थे क्योंकि जो उनका लड़का था वो नशे का आदी था, काफी नशा कर जो है वो करता था और शराब पीता था, तमाम जो है वो अपने घरों में ही इस तरीके की जो चोरियां हैं यानी कि सामान को बेचना मार पिटाई करना उनके अपने माँ बाप के साथ ही वो मार पिटाई करता था। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो बात की जाए तो जो लड़की के जो माँ बाप है वो भी काफी हताहत होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारे लड़के ने गलत करा है, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़की की जो ससुराल पक्ष है वो भी लगातार जो है वो अपने बेटे के लिए वो भी सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से धोखे से आकर के जो चाकू से बाहर जो है वो हमला कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, तो इस तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो है वो सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात यहाँ पर करते हुए नजर आए। क्या पहले भी इस तरीके से ये महिला अपने मायके आई थी? क्या पुलिस के पास मामला पहले भी गया था? अगर गया था तो कोई कार्रवाई हुई या नहीं, इसका कोई अपडेट मोनू आपके पास? देखिए ज्योति इस तरीके के मामले जो है इस लड़की के साथ जो है सहराला गांव की लड़की इसके साथ कई बार जो है इस तरीके के मामले होते हुए नजर आए क्योंकि बीच में भी जो है इस तरीके के झगड़े हुए कि अपने मायके आ गए लेकिन पंचायतों को जोड़ने के बाद यानी कि समाज के तौर पर जो है इस लड़की को ले जाया गया। कहीं ना कहीं समाज के तौर पर जो है पुलिस को बताया गया कि आगे से इस तरीके की शिकायतें नहीं आएगी, लेकिन यहाँ के तीन पात यानी कि नजर वही आया कहीं ना कहीं वो दोबारा से जो है कोई हरकत यहाँ पर करता हुआ नजर आया, पत्नी के साथ नजर आया और साथ ही साथ इस तरीके से देखा जाए तो महिला ठीक है। मुरु नजर बनाए रखेगा कब तक आरोपी गिरफ्तार होता है क्योंकि काफी अहम खबर है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और अम्बाला में ओसीज ग्रुप की शराब फैक्ट्री के दो इथेनॉल टैंकों में आग लग गई। इसके बाद से अम्बाला और आसपास के इलाकों में दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन टैंकों की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से आग बुझाने में दमकल की गाड़ियों को काफी दिक्कतें आई। हालांकि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। वहीं दमकल विभाग का इस मामले में कहना है कि आग को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है लेकिन आग पर काबू पाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। आग की सूचना के बाद से पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में मदद की। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। नौ बजे हमें सूचना मिली थी हमारे जगवाड़ में ओसीएस फैक्ट्री है जिसमें शराब बनती है वहां पे आग लगी थी, जिसमें हम मौके पे पहुंचे हैं और हमने कंट्रोल रूम को सूचित किया और फायर ब्रिगेड को मौके पे बुलवाया जिसमें
काफी काबू अभी पा लिया है, लेकिन अभी दो ड्रम है क्योंकि उसके अंदर जो एथलोन है उसमें कम से कम 2.5 लाख लीटर एथलोन भरा हुआ था, जिसको जो अभी जो है पेट्रोल के टैंकों में आग लग गई है। तो हमने जो है 3 गाड़ियां वाराणसी से, 2 गाड़ी नारायणगढ़ से और 3 गाड़ियां जो है बड़ा सदर से लाई है, और 1 गाड़ी अलीपुर गरवाड़ा पंचकूला से लाई है। 2 घंटे से कड़ी मुशक्कत कर रहे हैं आग बुझाने के लिए। फोम के टैंक ज्यादा हूँ, ये जो इथेनॉल के टैंक हैं ऊंचे हैं, फोम प्रॉपर तरीके से गए जान नहीं रहे, धीरे धीरे जो है आसपास के टैंक भी बचाने हैं। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।